दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज की नीमच मंडी की सभी जिनसों की आवक और लहसुन की आवक देख लेते हैं कैसी रही है। बात करें प्याज में लगभग 10 ट्रॉली के आसपास आवक है, लहसुन में लगभग 100 वाहन हो जाएंगे, 100 वाहन की आवक है वो तीनों छपरों में मिलाकर 3,000 साढ़े 3,000 बोरी के आसपास में। तो इतनी आवक नहीं आई है जितनी उम्मीद लग रही थी 3 दिन के अवकाश के बाद की। लहसुन में वैसी आवक नहीं है। अन्य जिनसों की बात करें, गेहूं की लगभग 250 ट्रॉली के आसपास में आवक है हाल फिलहाल तक, 250 ट्रॉली के आसपास में 250 ट्रॉली गेहूं की। सोयाबीन की लगभग 60 से 70 ट्रॉली के आसपास आवक है, तो सोयाबीन की आवकें भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें सोयाबीन के अलावा दोस्तों, मेथी में लगभग 1500 बोरी के आसपास हाल फिलहाल आवक है, कुछ और बढ़ सकती है। कलौंजी में लगभग 400 बोरी के आसपास आवक है, तिल्ली में लगभग 200 बोरी के आसपास में दिल्ली में आवक है। दिल्ली में आवक हाल फिलहाल तो कम है, कुछ और बढ़ जाए वो बात की बात है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली के अलावा और किस चीज़ में क्या आवक देखने को मिल रही है। दिल्ली के अलावा बात कर लेते हैं इसबगोल में लगभग 400 बोरी आवक है, ज़्यादा आवक नहीं है। इसबगोल के अलावा धनिया में लगभग 1000 बोरी के आसपास में आवक है, दलहन में आवक सीमित है और गेहूँ की आवक अच्छी है। तो मतलब कुल मिलाकर ज़्यादा आवक आज देखने को नहीं मिल रही है मंडी में, इतनी विशेष आवकें नहीं हैं। दोस्तों ऊँटी लहसुन के बिजवारे माल हेतु श्री सांडेश्वर गार्लिक एंड सप्लायर्स महेश जी ठाकड़ साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। लालपुरा वाले हैं, रामपुरा दरवाज़ा जावत के हैं ये। इनका मोबाइल नंबर है 8517008837 और एक और नंबर है इनका 9407162782। तो दोस्तों ऊँटी लहसुन उच्च क्वालिटी के बिजवारे के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, रामपुरा दरवाज़ा जावत, श्री सांडेश्वर गार्लिक एंड सप्लायर्स। देखते हैं नीमच की पूरी आवक जो ट्रॉलियां खड़ी है हाल फिलहाल। दोस्तों सुबह की राम राम आप सभी को, जय श्री कृष्णा। और यह आवक की स्थिति नीमच मंडी की, कितने आवक है, ये ट्रॉलियाँ हैं जो लगभग 80 थी और अब मान के चलिए 100 हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ट्रॉली। ट्रॉली पिकअप खुला वाहन सबसे पहले नीलाम इसमें ही चलेगा। 3 दिन के अवकाश के बाद भी ऐसी आवक देखने को नहीं मिली जैसा लग रहा था। 80 वाहन पक्के हैं और कुछ वाहन आते जा रहे हैं, तो 100 वाहन हो जाएंगे। तो हाल फिलहाल आप मान के चलिए 100 वाहनों तक की आवक है, ज़्यादा आवकें नहीं है। जैसा उम्मीद लग रहा था कि आवक 3 दिन के अवकाश के बाद तो बम्पर बनेगी, वैसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। आवकें सीमित ही है नीमच में तो 3 दिन के अवकाश के बाद भी, और इस हफ्ते में भी फिर मंडियाँ मंगलवार, आज बुध, गुरु, शुक्र, 4 दिन ही चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी इस हफ्ते भी। तो ये सबसे पहले जो नीलाम होगा खुली ट्रॉलियों का होगा। बरसात का मौसम कुछ बन रहा है तो निवेदन रहेगा आप सभी से, पाल, पल्लिए, त्रिपाल, वाटरप्रूफ पाल बिल्कुल साथ में लेकर आएँ, जिससे आपको असुविधा ना हो, अपने माल का नुकसान ना हो। तो ये आवक की स्थिति है दोस्तों हाल फिलहाल की नीमच मंडी की, जो है आपके सामने पूरे वाहन जो मंडी में आए हैं वो आपको आवक के रूप में भी दिखा दिए हैं। ये पूरी स्थिति है आवक की हाल फिलहाल की, बिल्कुल। तो दोस्तों ये आवक की स्थिति देख सकते हैं हाल फिलहाल की आप, और लगभग 100 ट्रॉली के आसपास और लगभग 3,000 साढ़े 3,000 बोरी अंदर। वही राम राम, जय श्री कृष्णा। नीमच मंडी की आवक देख लेते हैं कैसी है, लहसुन की आवकें और क्या बन रही है आवक की स्थिति। तो दोस्तों ये छपरा है और बाहर लगभग 80 वाहन तो हाल फिलहाल खड़े हैं और आवक वैसी नहीं मिली 3 दिन की अवकाश के बाद। लग रहा था कि आवक बम्पर होगी मगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, आवक सीमित ही देखने को मिल रही है। यह आवक की स्थिति है छपरों के अंदर। छपरे में भी आज तो माल कम है, रोज की अपेक्षा रोज अधिक रहता है, आज तो पहले छपरे में आवक कमी नज़र आ रही है। तो उम्मीद जैसा था आवक आने का वैसा आवक है नहीं, बहुत सीमित मात्रा में ही आवक दिख रही है। 80 वाहन बाहर खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, जो सबसे पहले नीलाम होता है प्लेटफॉर्म पे, और ये देख सकते हैं आवक की स्थिति पहले छपरे की, ऐसी कोई विशेष आवक है नहीं और सीमित आवक दिख रही है छपरे में भी। तो दूसरे छपरे की भी आवक देख सकते हैं आप, ऐसी कोई विशेष आवक देखने को तो नहीं मिल रही है और छपरों में भी सीमित आवक देखने को मिल रही है। ये सेकंड छपरा की आवक है, इतनी ज़्यादा आवक है नहीं, वो बाहर भी इतनी ज़्यादा वाहन नहीं है, 80 वाहन खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि आज तो बम्पर आवक आएगी और इसका उलट ही देखने को मिल रहा है, आवक सीमित ही दिख रही है नीमच मंडी में। तो वैसे मान के चलिए आवक बढ़ेगी क्योंकि पिपलिया मंडी फुल पड़ी है कल से ही। ये लॉट बन रहे हैं और ये अलग अलग लॉट का माल इसमें रहता है और जब छपरों में बिकता है। बाकी 80 वाहन तो अभी हाल फिलहाल है और लगातार वाहन आ रहे हैं,
तो मान के चलिए ये 100 के आसपास की वाहनों की आवक हो जाएगी, क्योंकि लगातार ये 2-3 वाहन और अभी दिख गए, 2-3 और आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर आवक 100 वाहन मान लीजिए आप। और ये पूरे इस छपरे की आवक, चलते हैं तीसरे छपरे में। तीसरे छपरे की आवक है जो प्याज का छपरा, इसमें भी लहसुन आता है आजकल। और ये तीसरे छपरे की आवक देख सकते हैं, ये छपरा ज़रूर फुल भरा है, इस छपरे में आवक अच्छी है। और पहले के 2 छपरों में लगभग 700-800 बोरी के आसपास एक छपरे में है, तो लगभग 1500-1800 बोरी 2 छपरों की आवकें हैं। और ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो इंदौर साइड से आती है, उज्जैन, इंदौर, बड़नगर और उस साइड का माल दिख रहा है आपको। ये गाड़ियाँ भी उधर की है जो खाली हो रही है, उज्जैन, देपालपुर, इंदौर, ये इसी साइड की ऐसी गाड़ियाँ आती है। और ये पूरी आवक की स्थिति देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर इस वाले छपरे में आवक अच्छी है और वाहन हो जाएंगे 100, तो भी 100 वाहन कम ही है, ऐसा लग रहा था 200-250 वाहन कम से कम आवक बनेगी 3 दिन के अवकाश के बाद, वैसा देखने को तो नहीं मिला। और ये पूरी आवक की स्थिति आप देख सकते हैं, और ये सारी गाड़ियाँ जो बाहर की है, बाहर वाली आवकें हैं सारी, है उज्जैन, इंदौर, देपालपुर साइड वाला जो बेल्ट है उसकी आवकें थी के इस वाले छपरे में। और लगभग 100-200-300-400-500 लगभग 1500 बोरी के आसपास इस वाले छपरे में। क्या नाम दादा आपका? दुर्गालाल राय। कहाँ से हो? झालावाड़। झालावाड़ जिले से हैं और लहसुन लेकर आए हैं नीमच मंडी। पहली बार आए सीजन में कि और भी लाए हो? आए सीजन पहली बार आए। पहली बार स्टार्ट किया है तो गांव का माल भी पहली बार स्टार्ट हो रहा है कि बिका कुछ? वहाँ पे बिक गया अधिकतर माल, तो 30% माल बिका। 30% आपके गांव का और है। तो दोस्तों ये आज आए हैं नीमच मंडी में पहली बार लहसुन लेकर इस सीजन का।